नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। श्रावस्ती लगे आरोप, गांव में पानी निकासी के रास्ते पर दबंग उड़वा रहा दीवार। SDM को प्रार्थना पत्र देकर की गई कार्रवाई की मांग। गांव में पानी की निकासी के रास्ते पर दीवार उड़वा कर दबंग व्यक्ति कर रहा कब्जा। मामला श्रावस्ती जिले के विकासखंड जुमना के दोदीपुरवा गांव का है, जहां दबंग व्यक्ति द्वारा रास्ते में दीवार उड़वा कर कब्जा किया जा रहा, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। गांव के ही अकील खां, लड्डन खां, सलीम खां, रिजवान खां, मोमिन खां, जेवलू खां, होली, रंजीत राम आदि लोगों ने उप जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि गांव घर का पानी बरसाती। आबिद खां, साकिर, दबंगाई व सरकसी के बल पर पानी के निकास के रास्ते दीवार उठाकर रास्ता बंद कर दिया है, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर हल्का लेखपाल राजर्व निरीक्षक ने विपक्षी की आरनी गट्टा संख्या 322 का पैमाइश किया, जिस पर विपक्षी का चाक रास्ते से दो गांठ पीछे है, परंतु दबंगाई के बल पर दीवार उठाकर पानी का रास्ता बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद होने से पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, जिससे गांव में गंदगी फैल गई है और पानी निकास का मात्र वही रास्ता है जो सड़क किनारे होकर निकलता है। विपक्षी काफी पैसे वाला व्यक्ति है, उसी का फायदा उठाकर हैरान व परेशान करने की नियत से सिविल से गट्टा उपयोग का मुकदमा दायर कर दिया गया है, जबकि पैमाइश के अनुसार विपक्षी का केस रास्ते पर नहीं है। न्याय हित में मौके की जांच करा के पानी के बंद रास्ते को खुलवाया जाए, लेकिन कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया। समस्या ये इसका है पानी का, और ये जो दीवार उठी है ये ग्राम कटवा वाले ने दीवार 3 महीना पहले उठा लिया है। जब से नाली का पानी इसी जगह पे जमा रहता है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, और उसने दीवार जो है एकदम नाली के ऊपर ही नाली को गिरा के उठा लिया है। ये जब तक दीवार गिराएगा नहीं जब तक ये नाली का पानी कहीं जाने, थाना मल्लिकपुर SO साहब को दिया है और SDM साहब से लिखित करवा कर लेके आए SO साहब को देने के लिए। तो अब वो SO साहब बोले कि ठीक है इसको रख दीजिए और जाइए, हम दीवार गिराने का ठेका नहीं लेके रखे हैं, SDM साहब को जाके बोलिए। तो हम SDM साहब को, अब छोटे मोटे आदमी SDM साहब के पास तो वापस जा नहीं सकते हैं, इसके लिए हम वापस चुप बैठे और आपकी सहायता ले रहे हैं कि शायद प्रशासन कुछ सुने तो कुछ हमारी सुनी जाए। श्रावस्ती से टॉप न्यूज के लिए प्रदीप गुप्ता के साथ कैमरामैन संतोष शाहू की रिपोर्ट। देखते रहिए टॉप न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।